हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मोर अल्ट्रा लेजर लैब वीडियो। एंड इस वीडियो में अभी आप जो मशीन देख पा रहे हैं, दिस इज अ सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन विद कॉइल फीडिंग अटैचमेंट सिस्टम। आप बोथ एंड्स पे देख सकते हैं, कॉइल फीडिंग सिस्टम हमारा मशीन के साथ में कनेक्टेड है। एंड दिस मशीन कम विद अ रोटेटिंग बेड। सो चलिए इस मशीन के बारे में जानते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं, दिस इज अ कॉइल फीडिंग सिस्टम जो कि अभी स्विच ऑन किया है फ्रॉम दिस कंट्रोल बॉक्स। एंड इस मशीन के अंदर जो है, हम रोटेटिंग बेड का यूज करते हैं, जिसपे हमारी कॉइल को स्लाइड किया जाता है, हमारी शीट को स्लाइड किया जाता है। इसमें हमें बार बार जो है लोडिंग एंड अनलोडिंग नहीं करना पड़ता है शीट का, बिकॉज इसके अंदर हम पूरे कॉइल शीट का जो रोल होता है, शीट की जो कंप्लीट कॉइल होते हैं, उसको एक ही बार में जो है इस पे लोड किया जाता है। यू कैन सी दिस, आवर बेड इज स्टार्ट रोटेटिंग। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मशीन। अभी हमारा शीट लोड हो रहा है ऑन दिस सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन, बिकॉज इसके अंदर रोटेटिंग बेड लगा हुआ है। एंड आप रोलर्स के थ्रू शीट को देख सकते हैं, शीट हमारी रोलर्स के थ्रू अंदर जा रही है। एंड इन रोलर्स का यूज़ होता है शीट को स्ट्रेट करने के लिए, बिकॉज रोलर्स पे जो जब हमारी कॉइल के अंदर जो भी शीट रहती है वो कहीं ना कहीं बैंड रहती है, तो इसको सम सेट्स ऑफ रोलर के थ्रू पास किया जाता है ताकि हमारी शीट स्ट्रेट हो जाए। ओके, सो जब हमारी शीट कंप्लीट जो है लोड हो जाएगी अप टू अ सर्टेन लेंथ, देन वी कैन स्टॉप दिस कॉइल फीडिंग सिस्टम एंड वी कैन स्टार्ट कटिंग। तो आप कॉइल फीडिंग सिस्टम देख सकते हैं, कंप्लीट रोल जो है कॉइल फीडिंग के ऊपर अटैच है। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द मशीन। तो आप मशीन पे देख सकते हैं दोस्तों, दिस इज अ नॉर्मल सिस्टम, जो हमारा सिप कट सिस्टम होता है, दिस इज द सेम वन सिस्टम। यू कैन सी द सिप कट सिस्टम। अगर आप अवेयर हैं फाइबर लेजर कटिंग मशीन से, तो आप इस सिस्टम को अच्छे से पहचान लिया होगा विद द कैमराज। एंड दिस इज अ नॉर्मल मशीन बट विद अ रोटेटिंग बेड। ओके, अब हमारी शीट लोड हो चुकी है अप टू अ सर्टेन लेंथ, नाउ वी कैन स्टार्ट द कटिंग। नॉर्मली इस तरह की जो फाइबर लेजर कटिंग मशीन है वो यूटेंसिल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारे रोल को जो है कट करना होता है। एंड एक फिक्स शेप कटती है, स्ट्रेट हो सकता है, राउंड हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो जहाँ भी हमें कंप्लीट रोल को कट करना है, जहाँ भी हमें कंप्लीट शीट के रोल को कट करना है, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार जो है हमें शीट को लोड करना पड़े, अनलोड करना पड़े, या रोल को बार बार कट करके शीट में कन्वर्ट करना पड़े, तो उस केस में हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। दोस्तों इसके अंदर सिर्फ दो एडिशनल चेंजेस हैं, वन इज रोटेटिंग बेड एंड सेकंड इज दैट कॉइल फीडिंग अटैचमेंट सिस्टम, शीट फीडिंग अटैचमेंट सिस्टम, जो इसको हमारी एक नॉर्मल फाइबर लेजर से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। अदरवाइज दिस इज एवरीथिंग इज सेम, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम इन दिस मशीन। सिस्टम सेम है, प्रोसेसिंग सेम है, एवरीथिंग इज सेम। नाउ यू कैन सी कि अभी हम फ्रेम ले रहे हैं मशीन का, जस्ट नॉर्मल जैसे हम एक शीट कटिंग के अंदर फ्रेम का यूज करते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट द कटिंग। दोस्तों हमारे पास में बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं फॉर दिस टाइप ऑफ मशीन ऑल्सो, तो जितने भी हमारे यूटेंसिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, सो दे कैन यूज दैट मशीन टू, या कोई भी एक कंपनी जिसको जो है पूरे रोल पे जो है वर्कआउट करना होता है, जैसे हम प्रेस ब्रेक के अंदर करते हैं। आपने बहुत बार प्रेस ब्रेक मशीन्स के ऊपर देखा होगा, यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पूरे के पूरे शीट रोल को जो है कट करती है बाय द हेल्प ऑफ प्रेस ब्रेक, सेम विद द लेजर। एंड वी कैन स्टार्ट द कटिंग राइट नाउ, यू कैन सी दिस। दोस्तों इस पे हम किसी भी तरह का रोल लगा सकते हैं, बट मैक्सिमम ऑन हायर साइड वी यूज अप टू 2 mm ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट रोल। उसके ऊपर भी जा सकते हैं, फिर उसके लिए हमें जो है सेपरेट डिफरेंट पावरफुल आपका जो है कॉइल फीडिंग अटैचमेंट सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। नाउ मशीन स्टार्ट कटिंग द शीट। हम कुछ सर्कल्स कट कर रहे हैं इन अ फ्लाई कटिंग मोड, यू कैन सी दिस। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल दोस्तों, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मशीन, बिकॉज यहाँ पे हमें एक रोटेटिंग बेड का फीचर मिलता है। एंड इट डजेंट मीन कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपका कॉइल को ही कट कर सकते हैं, हम इस मशीन के अंदर जो है नॉर्मल शीट भी कट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर हम अलग से लोड भी कर सकते हैं शीट को। सो लोडिंग एंड अनलोडिंग इसके अंदर बहुत ही अच्छी है, बिकॉज अगर आप नॉर्मल मशीन के अंदर क्या होता है कि आपको जो है पूरी शीट को लोड करना पड़ता है, इस मशीन के अंदर क्या है आप एक साइड को जो है मशीन पे लोड करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट रोटेटिंग द बेड। सो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हैवी शीट भी इसके अंदर जा सकती है।
So this is the beauty of the machine, guys. So dosto, this is a very quick and short introduction about this coil feeding CNC fiber laser cutting machine. I hope you like this video and this machine too. So give us a thumbs up, like, and thanks for watching this video. Subscribe our YouTube channel. We will see you soon in our next video. Bye bye, take care. Signing off, Vivek Chaudhary. Have a nice day.